हेलो एवरीवन। जब कि पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस समय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो आज हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है क्या। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वो पॉलिसी है जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स के लाइफ पर सामूहिक रूप से ली गई पॉलिसी होती है, और किसी भी पार्टनर के डेथ होने पर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी की राशि फर्म को चुकाती है। अब है कि इस संबंध में, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के संबंध में तीन अलग अलग तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। मतलब सवाल तीन में तीन अलग अलग तरह के कंडीशंस दिए हो सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला, व्हेन प्रीमियम पेड फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी is treated as revenue expenditure and joint life policy has not been shown in the books. पहला कंडीशन ये। दूसरा, when premium paid for joint life policy is treated as capital expenditure and joint life policy has been shown in the books. और तीसरा, when joint life policy and joint life policy reserve both have been shown in the books. तो ये तीन अलग अलग स्थिति। पहला क्या, जबकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पर दिए जाने वाले प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जा रहा है और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स में नहीं दिखाया जा रहा है। दूसरा स्थिति हो सकता है कि जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पर दिए जाने वाले प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जा रहा है और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स में, फर्म के बुक्स में दिखाया जा रहा है। और तीसरा एक स्थिति हो सकता है कि जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों को ही फर्म के बुक में दिखाया जा रहा है। इन तीनों ही तरह में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा अलग अलग होगा। अब ये तीनों ही कंडीशन में एक एक करके हम लोग उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले जो पहला कंडीशन है, जहां पर कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पर दिया जाने वाला प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जा रहा है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के रिगार्डिंग वो हम लोग देखते हैं। तो सवाल है, मोहन राम एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मोहन राम और सोहन तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। The firm has a joint life policy of ₹30,000. Firm का एक joint life policy है कितने का, 30,000 रुपए का। The annual premium of ₹1,800 is treated as a business expense. इस पर दिया जाने वाला प्रीमियम 1,800 रुपए साल का, उसे बिजनेस का खर्च माना जा रहा है। मतलब कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। राम डाइज ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड द क्लेम इज रियलाइज्ड ऑन
1 दिसंबर 2022 राम की मौत हो जाती है 1 अक्टूबर 2022 को, और क्लेम की वसूली जो इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा मिलना है वो मिलता है 1 अक्टूबर 2022 को। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है करने का। ये देख लेते हैं, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को पर दिए जाने वाले प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया है तो जर्नल एंट्री सबसे पहले ये डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो नंबर अमाउंट मॉडल। तो सबसे पहला जो ज्वाइंट लाइफ जो इसका रिगार्डिंग जो एंट्री होगा, पहला एंट्री होगा क्लेम करने का, क्योंकि राम की डेथ हो गई है तो क्लेम करने के लिए क्या एंट्री होगा, वो एंट्री कब होगा भाई, कब मौत हो रहा है 1 अक्टूबर को, तो 2022 में अक्टूबर 1 को इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कितना 30,000। ये क्लेम का हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया गया पॉलिसी के रिगार्डिंग, उसके लिए एंट्री हो गया भाई। क्लेम मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी, ये पहला एंट्री क्लेम करने का, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करने का। दूसरा एंट्री उसी डेट को हो जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो बैलेंस है सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर, सभी पार्टनर्स में उनके ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है पार्टनर का, मोहन, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन है, राम, जिसका की मौत हो रहा है, राम्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा कौन है, सोहन, तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 का पॉलिसी है, इसे उनके जो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सब इसमें हम बांट देंगे 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, तो 3/6 15,000, 2/6 12,000, और 1/6 कितना हो गया, तो 3/6 सॉरी ये बटने में गलती हो गया, 3/6 हो गया 15,000, 2/6 हो गया 10,000, और 1/6 हो गया 5,000। ये पॉलिसी का अमाउंट सभी पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया गया, बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओन रेशियो दैट इज 3:2:1। ये दूसरा एंट्री, और क्लेम का पैसा हमें फर्म से इंश्योरेंस कंपनी को मिल कर रहा है दिसंबर 1 को क्या एंट्री हो जाएगा इसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितना, तो 30,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड। ये हो गया एंट्री पहले कंडीशन में। अब देखते हैं दूसरे कंडीशन में, जबकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पर दिया जाने वाला प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो सवाल है
एक्स वाई और जेड, एक्स एंड एक्स वाई एंड जेड आर वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट विद रेशियो ऑफ 4:3:3. एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3. दे हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ रुपीज 1 लाख. उनका एक पॉलिसी था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 1 लाख रुपए का. द एनुअल प्रीमियम पेड वाज रुपीज 1000 और इस पर जो साल में जो प्रीमियम दिया जा रहा था हर साल 1000 रुपए. एंड वाज कंसीडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, और ये जो प्रीमियम दिया जा रहा था इसे इन्वेस्टमेंट माना जा रहा था, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है. वाई डाइड ऑन 15 मार्च 2022, और वाई की मौत हो गई कब, 15 मार्च 2022 को. ऑन दैट डे सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वन रुपीज 15,000, और उस डेट को पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू था 15,000 रुपए. पास जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री करना है. तो इस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होगा, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं जर्नल का डेट पार्टिकुलर लेजर फॉलियो नंबर अमाउंट का कॉल डेबिट क्रेडिट. तो सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, पहले कब करेंगे एंट्री, तो कब हो रही है अमाउंट, 15 मार्च को, 2022 में मार्च 15 को पहला एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. ये क्लेम का एंट्री हम लोग करेंगे टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. कितने का पॉलिसी हमारा, 1 लाख का, इसके क्लेम का एंट्री किया हमने. Being the amount of joint life policy due. उसका दूसरा जो एंट्री होगा वो क्या होगा, क्लेम का अमाउंट लेने का बैंक अकाउंट देते टू ज्वाइंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. कितना, तो 1 लाख बीइंग द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड. उसका तीसरा एंट्री, हमारा सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है और पॉलिसी का वैल्यू कितना है, 1 लाख. तो 1 लाख में से 15,000 जो सरेंडर वैल्यू है डिडक्ट करके जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस कितना बचा, 85,000. इस अमाउंट को सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा. तो क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट. कितना है, 85,000. इसे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3, मतलब कितना हो गया, 4 by 10, 3 by 10, 3 by 10. तो 4 by 10 होगा, 85,000 का 4 by 10 34,000, और 3 by 10 होगा 25,500, और इसका भी उतना ही 3 by 10 25,500. इस तरह से ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. नरेशन बीइंग द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिटेड टू
ऑल पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशियो दैट इज 4:3:3। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन में, जबकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पर दिए जाने वाले प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जा रहा है। अब एक तीसरा कंडीशन बचा, वो देखते हैं। अब देखते हैं तीसरे कंडीशन में, जबकि बुक में, फर्म के बुक में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों को ही दिखाया जा रहा है, उस स्थिति में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के रिगार्डिंग, ये देखते हैं। तो सवाल है क्या कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। द फर्म हैड टेकन अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1,50,000 और फर्म ने एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1,50,000 रुपए का 1,50,000 रुपए का ले रखा एट एनुअल प्रीमियम ऑफ 12,000 जिसका कि एनुअल प्रीमियम बनता है 12,000 रुपए। As Jed dies on 31st March 2022, the surrender value of JLP on that date ₹42,000। और Jed की मृत्यु हो जाती है 31 मार्च 2022 को और उस दिन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू है 42,000। Give journal entries if the joint life policy and joint life policy reserve ₹42,000 are appearing in the books। हमें journal entry करना है जबकि joint life policy और joint life policy reserve दोनों ही book में दिख रहे हैं 42,000 का। तो करते हैं जर्नल एंट्री। डेट पार्टिकुलर्स लेदर फॉलियो नंबर अमाउंट का ये होगा डेबिट क्रेडिट। तो पहला एंट्री, अच्छा ये एंट्री होगा जब कम आउट हो रही है 31 मार्च को, तो 2022 में मार्च 31 को सबसे पहले क्लेम करने का एंट्री करेंगे। क्या होगा एंट्री? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, कितना? 1,50,000। बीइंग अ क्लेम मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब दूसरा एंट्री क्या करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, कितना? कितने का था? 42,000। नरेशन बीइंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब तीसरा एंट्री होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सभी पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए। तो क्या एंट्री होगा? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू क्या क्या नाम है वो पार्टनर का? एक्स वाई जेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना है टोटल? 1,50,000 रुपए का पॉलिसी है। इसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3:2:1 मतलब 3/6 2/6 और 1/6। तो हो गया 3/6 75,000
टू बाई सिक्स 50,000 और 1/6 25,000 देन द बैलेंस ऑफ जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन old ratio that is 3:2:1 तो ये बन गया। इस तरह हम लोगों ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के रिगार्डिंग अलग अलग परिस्थितियों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखा। अब इसके अलावा एक और भी पॉलिसी था इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, तो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।